नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक हिंदुस्तान समाचार से। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली है। वहां पर एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया है और उसके बाद से जम्मू में बवाल जो है वो शुरू हो गया है। प्रदर्शन जो है इस बार पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। डोगरा फ्रंट शिवसेना की तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि रानी पार्क से ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर डोगरा फ्रंट शिवसेना जो है प्रदर्शन कर रही है और वजह कश्मीरी पंडित को एक बार फिर से कश्मीर में पुलवामा में टारगेट किया गया है और उसके बाद यहाँ पर बवाल हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और तस्वीरें लाइव नवाज शरीफ का यहाँ पर देखे आप, नवाज शरीफ का यहाँ पर करना चाहता हूं। पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड खेलने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ कटोरा लेकर के IMF और वर्ल्ड बैंक से पुकार करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ दोरी नीति स्टेन गन लेकर के संजय को मारने का प्रयास, संजय को यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ाने का प्रयास। $3 बिलियन रिजर्व उसके पास है, टूटा लेकर के कटोरा लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमने का प्रयास कर रहा है लेकिन अपने कर्तव्यों से बाहर जाने का प्रयास नहीं करता। इसलिए ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी, अगर आपके मन के अंदर आप कह रहे हैं कोई एड देनी है पाकिस्तान को, अरे हिंदुस्तानी डट करके विरोध करेंगे, जो हिंदुस्तानियों को कत्लेआम कर रहा है उनको हम खाना खाने को देंगे, ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करना चाहता हूँ, बड़ा स्पष्ट एक ही नीति, हार या पार, पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए, हार पार की परिस्थितियाँ पैदा होनी चाहिए और पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने का प्रयास करना होगा। डबल स्टैंडर्ड कभी नहीं चलेगा। दो नीतियाँ, एक हाथ के अंदर आप स्टेन गन लेकर के चल रहे हैं, दूसरे हाथ के अंदर आप कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। एक चपाती की कीमत 250 रुपया, 350 रुपया पेट्रोल के दाम, वो स्टेन गन छोड़ने का प्रयास नहीं करता। मैं वहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ, नस्तनाबूद कर दो इनको, ताकि फिर दोबारा ये नवाज शहबाज शरीफ आगे आने का प्रयास ना कर पाए। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। संजय की हत्या के पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? संजय की हत्या के पीछे पाकिस्तान है, संजय की हत्या के पीछे और कोई नहीं है, संजय की हत्या के पीछे पाकिस्तान काम करने का प्रयास कर रहा है। और डबल स्टैंडर्ड, एक कटोरा एक स्टेन गन, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला। 350 रुपए की वहाँ पर 1 लीटर डीजल मिल रहा है,
और $3 बिलियन तुम्हारे पास रिजर्व रह गया और अभी तुम मिलिटेंसी के अंदर शामिल है। तुम्हारे पास जिन लोगों ने उग्रवादी आज भी तुम्हारे पास हैं उनके विषय के अंदर फैसला करने का प्रयास करो। IMF से कहना चाहता हूँ, ये देखो IMF का देखो, IMF से अपील करना चाहता हूँ, अपील टू नो सपोर्ट टू पाकिस्तान IMF, अपील टू वर्ल्ड बैंक। ये बातें कह करके एक ही स्पष्ट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान घर के अंदर दाने नहीं अम्मा चली बनाने, ये परिस्थितियां पैदा करके मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के विषय के अंदर कोई विचार नहीं होगा, कोई एड नहीं पहुंचाई जाएगी, ये देश के प्रधानमंत्री से अपील करने का प्रयास करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के लिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक हाथ में कटोरा लेकर पूरे विश्व में भीख मांग रहा और दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियों को भी भारत के अंदर उसने जारी रखा है। टारगेट किलिंग को जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और एक बार फिर से कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की मृत्यु, उनको टारगेट किया गया कश्मीर के अंदर, उसके बाद यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और कह रहा है कि उनको सपोर्ट नहीं किया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।